वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 12,003 वीडियो कोर्स और वन मंथ की टिप को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और सब लोगों की डिमांड की वजह से हम इसको अभी और कंटिन्यू कर रहे हैं अगले 3 दिनों के लिए, क्योंकि इसमें सीखना और लाइव मार्केट सपोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है और वो इतना अफोर्डेबल है कि जो भी 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है वो कम से कम 12 लाख रुपये तो इस नॉलेज की वजह से लाइफ में बनाने वाला है। हो सकता है अगले 2-3 सालों में ये चीज़ कर ले, डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। आज हम लोग लाइव मार्केट में क्या करना है इस चीज़ को देखने वाले हैं, बाज़ार कैसे चल रहा है। तो लाइव मार्केट में हम देखते हैं कि बाज़ार फिर से 101 पॉइंट माइनस है और बहुत बड़ी कमज़ोरी बाज़ार में फिर से आ रही है। हो सकता है ये डबल या ट्रिपल बॉटम बनाए और वहाँ से बाउंस करने की कोशिश करे। नीचे गया था, नीचे जाके 10,850 के आसपास से इसने रिवर्सल लिया, सीधा ऊपर आया। शॉर्ट कवरिंग आने के बाद बाज़ार ठहर नहीं पाया ऊपर, फिर से सेलिंग आ गई है। मंदी में ऐसा ही होता है, हर एक तेज़ी पे, हर एक छलांग पे फिर से सेलिंग आ जाती है। लेकिन इस दौरान एक ख़ास बात हुई है कि यस बैंक पलट के बड़ी तेज़ी से चला है। 174 का जो पिछले ट्रेडिंग डे में इसने लो बनाया था वहाँ से लेके 217 रुपए का हाई बना दिया है। तो जो हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपने कॉल या पुट की नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, रिसेंट वीडियोस में आप देखिएगा तो हमने आपको बता रखा था कि अगर सपोज़ आपने 270 का कॉल ले रखा है, यस बैंक लुढ़क लुढ़क के पहले 220 गया, फिर 200 गया, फिर 180 गया, 170 तक, 174 तक चला गया, तो उस वक्त अब आप सोचो कि 270 के कॉल के भाव क्या आएंगे। तो जिसने 12-13 रुपए में 270 का कॉल लेके रखा है, आज वो 1.5 रुपये हो गया था, 1 रुपये 1.5 रुपये, और जब बाज़ार इतना चल भी दिया है तो 4-4.5 रुपये के आसपास है। मतलब आपकी बाइंग प्राइस से अभी भी वो 3 गुना कम है। ऐसे में हमने आपसे क्या कहा था, नीरेस्ट जो भी कॉल बनता है उसके हाई पे बाइंग लगा के रखो। तो जब 175 खड़ा था तब 180 के कॉल में जिसने भी बाइंग लगा दी, एकदम से बाइंग एक्टिवेट हुई और वहीं पे आपको कम से कम 7-8 रुपये का प्रॉफिट तो उसी दिन हो गया था। और आज पलट के वही कॉल 40 रुपये तक का प्रीमियम दिखा रहा है जबकि आपकी बाइंग 8 रुपये पर हुई थी। तो एक बार अगर आपसे गलती हो जाए लेकिन आपको पता है कि हुआ क्या है, गलती कहाँ हुई है, तो उसको सुधारना और सुधार के उसको अपना वरदान बना लेना अभिशाप को, ये पॉसिबल है। लेकिन घबराहट नहीं होनी चाहिए और इसलिए हम आपसे कहते हैं घबराहट वाले काम मत किया करो। घबराहट वाले काम कौन से होते हैं, आपके पास 1,00,000 रुपया था, आपने पूरा दाव पे लगा दिया और अब ये लुढ़क के बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब कुछ और करने के लिए 15,000 भी हमारे पास नहीं हो, तो फिर ये घबराहट वाले काम है। क्योंकि यस बैंक आपने सोचा ऊपर जाएगा पर उस वक्त ऊपर नहीं जाके नीचे चला गया, ठीक है। आधा पैसा अगर आपके हाथ में होता तो दोबारा जहाँ से भी ये ऊपर आता वहाँ के स्ट्राइक प्राइस के कॉल में हाई पे बाइंग लगाते। अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना इस बात का कि हमने आपको एवरेज करने को नहीं कहा था। एवरेज करने वाला तो मारा जाएगा, उसको 280 से 220 आने पे ही एवरेज करेगा, 220 से 200 आने पे एवरेज करेगा, 200 से 180 आने पे एवरेज करेगा, 170 75 पे सब बर्बाद हो जाएगा, उसको झेल नहीं सकता कोई। इसलिए हमने कहा था हाई पे बाइंग लगा के रखो। तो हाई पे बाइंग लगाने में 200 जिस दिन था उस दिन हाई पे बाइंग लगाया, कॉल का हाई टूटा नहीं, 190 हुआ फिर हाई पे बाइंग लगाया, 190 के कॉल में हाई टूटा नहीं, 180 होने पे हाई पे बाइंग लगाया नहीं टूटा, वो 170 चला गया, फिर पलट के जब उसने हाई तोड़ा तो बाइंग हुई। तो आप फंसे नहीं, मतलब जब तक बाज़ार पलटे नहीं आपका सौदा नहीं होगा, इस बात को समझना है। आज मेटल सेक्टर अच्छा चल रहा है, देखते हैं हम लोग मेटल सेक्टर में। आपको ये पता लग रहा है कि बाज़ार कितना भी गिर रहा है लेकिन मेटल सेक्टर अपने हाई के करीब से नीचे नहीं जा रहा है। ये देखिए मेटल 1.44% प्लस है, PSU बैंक 0.52% प्लस है, रियल्टी 0.12% प्लस है। रियल्टी बहुत दिनों के बाद प्लस हुआ है। अगर हमको ऐसा दिखता है कि DLF थोड़ी ताकत लाने की कोशिश करेगा और एकदम से पलट के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। लंबे समय के लिए अगर कोई रियल्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये रेट्स ठीक है। मतलब यहाँ पे आप खरीदी शुरू कर सकते हैं 3-3 महीनों की गैप से। ये जो 88 पे आई भी रियल है, ये हो सकता है 65 भी दिख जाए, लेकिन
तीन तीन महीने की गैप से इकट्ठी करेंगे तो ये वाला चांस मिसिंग नहीं होगा। जब सबसे अच्छे रेट आते हैं तब हमारा हौसला पूरा ख़त्म हो जाता है। वॉरेन बफे कहते थे, जब पूरा बाज़ार डर से भर जाता है तो आप लालच से भर जाओ, आप खरीदी करो। जब पूरा बाज़ार लालच से भर जाता है तो आप डर से भर जाओ। जब 11700 की निफ्टी थी, पूरा बाज़ार में लालच था, सब लोग खरीदने 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 की बात करते थे। हम लोग वहाँ अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बार बार आपको सचेत कर रहे थे कि खरीदने खरीदने की बात सब आप कर रहे हैं, बेचने की बात कोई क्यों नहीं कर रहा। तो हमने एक वीडियो में बताया, गजनी कॉम्प्लेक्स होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं कि मंदी यहीं पीछे खड़ी थी और चार दिन से मंदी दिखी नहीं, तो हम मंदी को पूरी तरह भूल जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली ऐसे फंसते हैं। अब ये आप इसी महीने का हाई लो अगर देखेंगे, कहाँ कहाँ का हाई था, वहाँ से 30-40% नीचे है अभी। मतलब 1,00,000 रुपये जिसने लगाया वो 50 या 60,000 रुपये देख रहा है वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे खरीदी की जा सकती है। और DLF के कॉल में हाई पे बाइंग लगा के रखो, 160 का कॉल है DLF का। अगर ये बाज़ार थोड़ा सा भी रिकवर करता है तो DLF एकदम भाग के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बहुत दिनों से पलटा नहीं है, पलटना उसका ड्यू है। मजबूती बॉटम आउट होना कैसे पता लगता है, कि अब नए सिरे से लो नहीं बना रहा है, वो जो 153-154 के लो बना के आया है उनको तोड़ने की तरफ कोई तैयारी नहीं दिख रही, जबकि निफ्टी तो 100 पॉइंट जा चुकी है। तो ऐसे में आज का दिन तो हमको कुछ राहत मिल सकती है। हम ये हमेशा की बात नहीं कर रहे, ये हो सकता है कि 165-170 तक जाके फिर 140-130 की तरफ जाए। लेकिन अगर मैंने हाई पे बाइंग लगा के रखी है तो मेरा कॉल बाय होने के बाद में कम से कम 50-100% का एक बार रिटर्न ज़रूर देगा। कमज़ोरी में हम देखते हैं ऑटो सेक्टर माइनस था, ऑटो सेक्टर में आज हमने M&M की सेलिंग, M&M के पुट को ख़रीदने की बात कही थी। यहाँ पे अभी आप देखें भारत फोर्ज, आयशर मोटर, ये सभी कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है TVS मोटर। देखिए M&M में क्या इशारा था, M&M में ओपन और हाई बिल्कुल इक्वल है, 845.50 का ओपन है और 845.5 वही के वही हाई है। ऐसे में आपको सेलिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छे मौके मिल जाते हैं। तो मेटल सेक्टर में हम लोग देख लेते हैं, सेक्टर को हम देख रहे थे। सेक्टर में आप देखो 9.45% वोलेटिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव है और ऑटो सबसे ज़्यादा माइनस है, IT माइनस हो गया है, मीडिया अचानक से अभी प्लस आया, पहले नहीं था, रियल्टी प्लस है, PSU बैंक प्लस है। PSU बैंक में भी हमको देखना पड़ेगा, चार सेक्टर प्लस में दिख रहे हैं। तो बाज़ार जितना कमज़ोर है उतना कमज़ोर, मतलब दिख रहा है जितना 100 पॉइंट माइनस दिख रहा है उतना कमज़ोर एक्चुअली है नहीं। अभी ये कमज़ोरी चौतरफा नहीं है, ऊपर देख रहा हूँ मैं तो स्मॉल कैप प्लस है, पॉजिटिव 0.73%। तो आज आप स्मॉल कैप शेयर्स में ध्यान दे सकते हैं। दोपहर के बाद मीडियम स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग आती है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिस्ट आप कहाँ देखेंगे, आपको जाके देखना है in.investing.com में, तो स्मॉल कैप की लिस्ट आ जाएगी। या फिर यहाँ पे मैं रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो देख लेता हूँ, profit.ndtv.com में, और उसमें हम लोग स्पेशली स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे। इतने में आप मीडिया सेक्टर में देखो कि कौन सा स्टॉक पलट के एकदम चलना शुरू हुआ है। अगर कॉलपुट की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा डिश टीवी और जिल टीवी, जिल में इसी में पॉसिबिलिटी बनती है। तो इरोज, हाथवे, डेन, TV18 ब्रॉडकास्ट, जी मीडिया, जिल अभी भी थोड़ा पॉजिटिव है, अपने हाई के बिल्कुल करीब तो नहीं है। PVR भी हाई के करीब नहीं है, हाई के करीब आपको यहाँ पे इरोज मीडिया भी नहीं है, वो भी 2% दूर है, डेन है। तो यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करके रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। जिल देखिए अब 1% दूर है अपने हाई से, तो चूंकि जिल के कॉल में बाइंग आ जाती है, हम चेक कर रहे हैं। देखिए जैसे हम चेक करते रहते हैं वही स्टडी आपको करनी है, हम यहाँ पे आपको एक कंक्लूज़न दे के छोड़ देना नहीं चाहते, हम यहाँ पे आपको स्टडी करना सिखा रहे हैं। मतलब जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, या तो आप मेरे घर एक बार आ जाओ मैं आपको डिनर खिला दूँ, लेकिन अगर मैंने खाना बनाना सिखाया तो शुरुआत में हो सकता है रोटी जले आपसे, सब्जी खारी हो जाए,
खाना ठीक ना बने, लेकिन धीरे 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 आप अपना खाना खुद बनाने लग जाएंगे। तो जैसे हम स्टडी करते हैं भटकते हुए, वो पूरा स्टडी ही आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। ये आपके लिए एक लेसन है, सबसे बड़ा लेसन। मतलब जब हम ट्रेड करते हैं तो ऐसा सामने से देख के और बस ये भागा ये गिरा करके बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें तसल्ली से करते हैं, और इतनी तसल्ली से करते हैं कि उधर पीछे कुछ भाग रहा है, कुछ लुढ़क रहा है, उसकी परवाह नहीं हमको, क्योंकि जो भी निर्णय हम लेंगे वो अपनी कन्विक्शन के साथ लेने वाले हैं। जल्दी करनी थी आपको तो 9:15 9:16 पे ट्रेड कर लिए, काम हो गया ख़त्म। एक बार 9:25 से 10 बजे का प्रॉफिट भी बुक हो गया सपोज़। अब तो देखने का टाइम है, तो 440 का जो कॉल है 1760 1815 और 1300 का लॉट साइज है, मतलब 20-22,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। और बाज़ार अगर सपोर्ट करता है तो एकदम से तेज़ी आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कभी कभी ये पॉसिबिलिटी है 1:30 बजे तक बाज़ार में कोई रिकवरी नहीं आ रही, तो 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक ये गिर के 150-160 पॉइंट भी हो जाएगा। तो आपको कभी भी सामने से अंदाजे में ख़रीदना नहीं है ये सोच के कि अब तो नहीं गिरा तो अब गिरेगा ही नहीं। अगर सामने से ख़रीदा तो स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाओ, नहीं तो हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो या एवरेज पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। बाज़ार में अगर फिर एक हैवी सेलिंग आ जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके बाद में हम इंडेक्स में फिर से देखते हैं, उधर हमारा प्रॉफिट आइडेंटिटी भी खोलने के लिए हमने छोड़ा हुआ है। देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको परेशान करती है तो उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ओवरटेकिंग के प्रिंसिपल से हम मीडिया और पीएसयू बैंक पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और अगर सेक्टर की बात करें कि सुबह से जो सेक्टर प्लस था, तो फिर हम यहाँ पे इसी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मेटल सेक्टर पे। कभी प्रॉब्लम दिखे या आपको दिखे कि यहाँ पे स्टॉक है लेकिन ये अपने हाई के ज़्यादा करीब नहीं है या फिर इनके कॉल पुट में काम नहीं होता है, वॉल्यूम को क्लिक कर लो। वॉल्यूम हमेशा एक बार चेक कर लिया कीजिए। तो वॉल्यूम में यहाँ VEDL में काफ़ी वॉल्यूम है, फिर जिंदल स्टील में है, फिर सेल काफ़ी गिर गया था, हिंडालको में है। हिंडालको अपने हाई के बिल्कुल करीब है, तो आप हिंडालको के कॉल को देख सकते हैं। अब देखिए, जब हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग बोलता हूँ तो एक ही ऑर्डर लगाओ ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो 3 सेक्टर के 3 स्टॉक में ऑर्डर लगा के रख सकते हो, और जो भागेगा वो अपने आप से हाथ में आ जाएगा। तो ये देखो, आप 245 का कॉल एट द मनी है वो ले सकते हैं, या 250 का कॉल 980-995 दिख रहा है और 3500 का लॉट साइज़ है, बड़े आराम से काम हो सकता है। तो एक्चुअली इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ये देखना है आपको कि 3500 का लॉट साइज़ और 10 की प्राइस है तो 35,000 रुपया लग रहा है इसमें आपको ख़रीदने में। तो जिनके पास कैपिटल कम होती है वो यहाँ पे जाके मात खा जाते हैं, जिनके पास 1,00,000 कैपिटल है वो तीनों कॉल्स में हाई पे बाइंग लगा के रख देंगे। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा बुक करेंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर से हम इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स में नहीं भी जाएं आप तो डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन चेन में भी दूसरा नाम डाल के उसको भी देख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में जाके मैं पहले ये देखना चाहूँगा कि पीएसयू बैंक में आके परफॉर्म कौन कर रहा है। अगर पीएसयू बैंक में देखने को नहीं भी मिलता तो हम ये तो देख ही सकते थे कि पीएसयू बैंक में ज़्यादा परफॉर्म तो हमेशा SBI नहीं करता है, पर अंदाजे पे जाना कभी ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। देखिए SBIN अपने हाई के करीब है, PNB सबसे ज़्यादा गेनर है, IDBI है, बैंक इंडिया है। अब हम यहाँ देख लेते हैं वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम में PNB और बैंक बड़ौदा में काफ़ी वॉल्यूम है, उसके बाद SBI का नाम आता है। ठीक है, तो PNB पे भी ध्यान दे सकते हैं आप, 65 का कॉल या 67.5 का कॉल हाई पे बाइंग लगा सकते हैं, या SBI में बात करें तो 275 या 280 का कॉल हो सकता है। चले अब हम स्मॉल कैप के बारे में देखने वाले थे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम चीज़ें स्ट्रक्चर में नहीं दिखती आपको। जब हम कोई भी इस तरह की चीज़ सीखने जाते हैं जहाँ हमको पूरे मार्केट के बारे में जानना है, तो आपको जैसे चीज़ें देखने की आदत है बचपन से वैसा नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर से अलग बात हो जाएगी। तो ऐसे में हम आपसे ये कहते हैं कि आप बस देखते जाओ, इसको चालू रखो अपने सामने और आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। मतलब ये तो रिकॉर्डेड है, BSE स्मॉल कैप मिला मुझे, NSE स्मॉल कैप नज़र नहीं आ रहा था, BSE खोल लिया।
फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक BSE या NSE दोनों में लिस्टेड नहीं होगा उसको छोड़ दो, पर जो दोनों में लिस्टेड है उनका इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे सेट इन क्रेडिट केयर है, ये प्लस है। गति भागा है 17% प्लस है। ट्राइजन टेक्नोलॉजी 16% प्लस है। विकास इकोटेक, तंगे माइल ज्वेलर अच्छा खासा प्लस है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, नेलकास्ट, होम मेटल इंफ्रा प्रोजेक्ट 13% प्लस है। यूनिप्लाई इंडस्ट्री, इंडिया बुल रियल इस्टेट ये 6.5% प्लस हो चुका है। अभी हम बात ही कर रहे थे इंडिया बुल के, कैमलिन फाइन साइंस ये भी प्लस हुआ है। MB इंडस्ट्री 112 रुपये है, 13% प्लस है। धामपुर शुगर, इन्फीबीम एवेन्यू ये सब प्लस हो रहे हैं। तो जो हाई के बिल्कुल करीब है, ये देखो शुगर सेक्टर में धामपुर शुगर चल रहा है, इसका मतलब बाकी सारे शुगर भी चल रहे हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे पेज तक भी मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ। इंडोकाउंट इंडस्ट्री, डालमिया भारत शुगर, देखे सारी शुगर सामने आती जाती है। अब संघवी मूवर, तो जो भी अपने हाई के बिल्कुल करीब है स्क्रीन पे लगा, हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दो, अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। द्वारकेश शुगर, एडलेब एंटरटेनमेंट, ये बात हो रही है आज के इंट्राडे के लिए। आप यहाँ पे हम ये बात इन्वेस्टमेंट की नहीं कर रहे हैं। आज स्मॉल कैप सेक्टर पॉजिटिव है तो स्मॉल कैप में कौन कौन से शेयर चल रहे हैं। अभी बात तो मंदी की है, तो मोटे तौर पे कोई भी देखेगा तो कहेगा बाज़ार तो बहुत गिरा हुआ है, सब शेयर बिल्कुल गिरावट में, तेज़ी में तो कोई है ही नहीं। लेकिन जाके देखोगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि कितने शेयर हैं जो पॉजिटिव है। और ऐसा ध्यान नहीं दो तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है कि बाज़ार तो इतना नेगेटिव है उसके बावजूद स्मॉल कैप बढ़ रहे हैं। यस बैंक, VEDL, हिंडालको, हिंड पेट्रो, अडानी पोर्ट, JSW स्टील, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ये देखिए ये सब ग्रीन है। इसके बाद नीचे जाके देखते हैं क्या ज़्यादा गिरा हुआ है। आयशर, इंफ्राटेल, M&M, ग्रेसिम, UPL, TCS, मारुति, टाइटन भी गिरा हुआ है, 794 हो गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, HCLTech ये सभी गिरे हुए हैं। आपको देखना है हाई के करीब कौन है, लो के करीब कौन है, उस हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये स्टडी करना है बाज़ार में, और जो लोग सेफ़ रहना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि 1:30 बजे तक वेट कर लो, यूरोप का मार्केट पहले खुल जाएगा, बाज़ार में रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है, और उसके बाद में आप चाहें तो 11 से 1:30 बजे की जो रेंज है, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक चुनो और उनके 11 से 1:30 बजे के हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पे बाइंग और सेलिंग लगा के रख दीजिए, तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। ये सारी डिटेल बातें अभी यहाँ तो नहीं की जा सकती, क्योंकि एक एक स्ट्रेटेजी के बारे में बोलने जाऊँ तो बाकी सारी बातें छूट जाएगी, इसलिए वो काम तो आपका कोर्सेज से ही होने वाला है। और वैसे भी आप में इतनी सिंसेरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि जो आदमी यहाँ से 2000 रुपया रोज़ का बनाने की बात करता है, साल का 5 लाख कमाना चाहता है, वो कम से कम 10 से 20 रुपया पर डे तो लर्निंग में डाले। अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तो बहुत बेईमानी में है और उसका फल कभी सही नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, किसी से नहीं सीखा, हमने खुद से सीखा और हम अच्छा कर रहे हैं। तो भाई आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी, आज अगर आप 1000 रुपये पर डे तक पहुंच पाए हो अपने आप से 2 साल के अंदर, तो आप 5000 रुपये पर डे क्रॉस करने का पोटेंशियल आपके अंदर था, सिर्फ ईगो की वजह से कि मैंने किसी से सीखा नहीं, मैं किसी से सीखने वाला नहीं, मुझे सब पता है, उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। और दूसरा, जब बाज़ार में हम पैसा बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, मौके अपॉर्चुनिटीज़ बर्बाद करते हैं, तो हमको लगता नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब नकद किसी के हाथ में देते हैं पेमेंट कुछ सर्विस के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो कलेजा हिल जाता है। तो अधिकतर लोगों की जहाँ पे पहले कैश फ्लो नहीं था, इंडिया में यही बात थी, तो सर्विस के लिए पे करना अभी इंडिया में पॉसिबल नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत धीरे से समझ पाए हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो 20 रुपये की 10 रुपये की DVD में है उसका 5000 रुपये क्यों देना पड़ता है, क्योंकि वो 5000 रुपये का सॉफ्टवेयर 5 लाख का काम करके देता है। एक मशीन खरीदना अगर पॉसिबल था 5 लाख में,
तो मशीन लोग खरीद लेते थे, लेकिन जब एक इंसान को नौकरी देना पड़ती है और 1.5 लाख रुपये महीने की सैलरी देनी पड़ती है, तो इस चीज़ को आईटी वालों ने समझा, बाकी लोग बहुत देर से समझे हैं कि इंसान को किस बात का पैसा देना है। इंसान को इसी बात का पैसा देना कि 1.5 लाख रुपये महीना लेके वो 15 लाख रुपये महीने का काम करके देता है। तो यहाँ पे भी जो भी एजुकेशन का आप पैसा पे करते हैं, ये 55,000 रुपये आपको 55 लाख रुपये कम से कम, कम से कम, अगर आपने 500 रुपये महीने के शेयर भी खरीदने इसकी वजह से यकीन आ गया और आपने कहा चलो ठीक है पी ली हमने चाय रोज की एक या दो और उसके पैसे डालने लगे, तो भी 55 लाख तो बनने ही बनने वाले हैं। तो ये नज़रिए को हम बार बार पूछ क्यों करते रहते हैं, हमारा तो बिज़नेस है ही, लेकिन दिस इज़ ए विन विन मॉडल कि आपको भी इससे जो फ़ायदा होगा एक बार समझ लेने से, वो फ़ायदा एक बार शुरुआत करने की बात है बस, उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही हो जाना है। तो लाइफ में हमको वैसे भी कोई ना कोई ऐसा गोल, ऐसा पर्पस चाहिए जो कंटिन्यूस हो। तो मनी मेकिंग अभी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हर किसी को मनी मेकिंग करना है, हर किसी को पैसे वाला बनना है, हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, तो क्यों नहीं वो उसके लिए एक हाईवे ले ले और समझने की कोशिश करे। अगर आपको किसी से कुछ खास सीखने को नहीं मिला तो इतना तो पता लग जाएगा कि भाई कहीं कुछ नहीं, अपने से ही कोशिश करो, खोदो, अपने मोती खुद निकालेंगे। लेकिन इसके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी किसी के पास जाके कि कहीं बाहर कुछ नहीं है। जैसे एक बार हम बाइक से इंडिया टूर पे गए, 6,000 किलोमीटर चले, फिर पता लगा कि धरती का कोई भी कोना उतना ही खूबसूरत हो सकता है जहाँ बैठ के महसूस करो खूबसूरती है, कहीं कुछ नहीं है और हर जगह सब कुछ है। दोनों ही बातें सही है, पर अपने ऊपर भरोसा करने के लिए दूसरों के ऊपर भरोसा करना और वो सच निकले तो उनका फ़ायदा उठाना और वो गलत निकले तो उस धोखे से अपना भरोसा अपने ऊपर ठहरा के और आगे बढ़ना पॉसिबल होता है। चलिए ये बात हुई, हम आगे कैसे उबंदा ज़िंदगी में ये बातें तो आगे करते रहेंगे। अभी आप देखो ये मिड कैप में क्या सीन है, कौन कौन से स्टॉक गिर रहे हैं। तो अब 1:30 बजे आप ट्रेड करेंगे, 11:30 बजे के आसपास एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न रहेगा बाज़ार में तो जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे। जैसे यस बैंक ने 222 का हाई बनाया, सुबह हमने कॉल दिया था उसके बारे में, वो अच्छे से पॉजिटिव हो गया। अब बाज़ार इतना ख़तरनाक है, इससे आपको क्या करना है, हमको तो सीधा वो चीज़ देखनी है कि ये मजबूत है ये कमज़ोर है। तो हमने लोगों को ऐसे ही ट्रेड करना सिखाया है कि वो जो हल्ला गुल्ला है, जैसे आप एक हाईवे पे चल रहे हैं, आपको लगता है हर गाड़ी आपके ऊपर चढ़ेगी, लेकिन मैं अपनी लेन पे चलूं और अपना रास्ता देखूं और अपना कंट्रोल हाथ में रखूं, बस इतना काफ़ी है। तो हमारे ट्रेनिंग्स को, हमारे व्यूअर्स को कभी भी इंट्राडे पिक करने में, बाइंग में या सेलिंग में, ऑप्शन में या फ्यूचर में कभी परेशानी नहीं आती, क्योंकि वो सीधा वही देखते हैं जो उनको देखना है। साइट पर आइए, डिटेल देखिए सारी, पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट नंबर्स दे रखे हैं, उसमें NEFT कर सकते हैं या फिर पे यू मनी के थ्रू पेमेंट करके, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इन पे अपना व्हाट्सएप में डिटेल भेजें, इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, विदिन 2 आवर्स आपको अपना कोर्स डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। सॉरी मैं अभी आपको किसी भी सवाल के जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इसमें हम नहीं देते हैं, इसमें सवाल के जवाब बनते नहीं हैं, यहाँ पे हमको वो बताना है जो आपको अभी करना है। ये सारा डिटेल आप देख लीजिए, 30,000 टू मंथ का कोर्स अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, 55,000 भी लिमिटेड 12 सीट्स हैं, तो जो लोग भी करना चाहते हैं पहले वो हमसे बात करेंगे डिटेल में, हमको लगेगा कि इनके लिए ये पैसा देना और सीखना वर्थफुल है तो ही हम उनको अलाउ करेंगे, और बशर्ते हमारे पास सीट खाली हो। थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं फिर।